हेलो एवरीवन, आई एम गौरव और आज हम दो स्ट्रो के टुकड़ों को इस रबर के टुकड़े पर जोड़कर ये बेजोड़ खिलौना बनाएंगे और इसका नाम है 3-in-1, क्योंकि ये तीन तरीके से काम करता है। पहला तो एक इसको एंड को मैंने पानी में डाल दिया और दूसरे को पे अगर जोर से फूंक मारे तो सीटी बजती है। अब दूसरे वाले एंड, अब इसको उल्टा कर दिया, दूसरे वाले एंड को पानी में डाल दिया और अब दूसरे तरफ से फूंक मारे तो देखिए क्या होता है। तो ये स्प्रे बनता है। और तीसरे तरीके में ये डंडी अगर इसके रबर के टुकड़े के अंदर डालकर हम इसको जोर से घुमा दें तो हमारा ये फव्वारा बन जाता है और ये सब कुछ गीला हो गया है, इसको थोड़ा सा साफ करने की जरूरत है। और अब ये देख लेते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। और इसके लिए हमें एक रबर का टुकड़ा, स्ट्रॉ, कैंची, ग्लू और ये डंडी चाहिए होगी। तो सबसे पहले कैंची से स्ट्रॉ के ये दो टुकड़े काट लें और ये बराबर भी हो सकते हैं और अलग अलग लंबाई के भी हो सकते हैं। और उसके बाद ग्लू की मदद से इन दोनों टुकड़ों को रबर पर चिपका दें। लेकिन चिपकाते हुए जो सबसे जरूरी बात हमें ध्यान में रखनी है वो ये कि एक स्ट्रो से दूसरी स्ट्रो का मुंह आधा कवर हो जाना चाहिए। और इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ये स्ट्रो यहाँ पे थी, अब इसको आगे स्लाइड करेंगे तो ये दूसरी स्ट्रो का मुंह इसने आधा देखिए कवर कर दिया है। और ये हमारा ऑलमोस्ट 3-in-1 बन गया है। इसको सूखने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे और बाद में इसमें डंडी लगाकर ये हमारा खिलौना तैयार। चलिए अब ये देख लेते हैं कि ये खिलौना काम कैसे करता है। तो जब हम उस स्ट्रो से फूंक मारते हैं जिसका रास्ता दूसरी स्ट्रो ने आधा रोका हुआ है, यानी ये वाली स्ट्रो, तो ये जो जंक्शन पॉइंट है जहां पे दोनों स्ट्रो मिल रही हैं, यहां पर हवा की स्पीड बढ़ जाती है। और इसको ऐसा भी सोच सकते हैं कि जब हम नदी पार करते हैं और हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक तो वहां से पार करें जहां पर उसकी नदी की चौड़ाई कम है और दूसरा वहां से पार करें जहां पर नदी की चौड़ाई ज्यादा है, तो क्या लगता है कहां से पार करनी चाहिए? और जिन्होंने नदी पार की है उनको पता होगा कि जहां पर नदी की चौड़ाई ज्यादा है हम ज्यादातर वहीं से पार करने की कोशिश करते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां पर नदी की स्पीड जो है वो कम हो जाती है और इसीलिए पार करना आसान हो जाता है। इसको ऐसा भी सोच सकते हैं कि जब हम पौधों में पानी देते हैं और अगर हमें स्पीड से पानी निकालना है तो हम पाइप को थोड़ा सा दबाकर उसका एरिया कम कर देते हैं। तो ऐसे ही यहां पर जो हवा की स्पीड है वो बढ़ गई और स्पीड बढ़ने से प्रेशर कम हो गया। ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, इसको बर्नौलीज प्रिंसिपल कहते हैं। और यहाँ पे प्रेशर जब कम हुआ और ये दूसरा सिरा तो पानी में डूबा, जब यहाँ पे प्रेशर कम हुआ तो नीचे वाला पानी ऊपर आ गया और इधर से आने वाली हवा के साथ स्प्रे बन गया। और जब हम उस स्ट्रो से फूंक मारते हैं जिसका रास्ता पूरा खुला हुआ है तो यहाँ पर जो जंक्शन है वहां पर स्पीड बढ़ती नहीं है, इसलिए प्रेशर भी कम नहीं होता, इसलिए पानी नीचे से ऊपर नहीं आता। और इसी में सीटी बजाने के लिए हम ये कर देते हैं कि जो सिरा है इसको थोड़ा सा दांत से दबा देते हैं ताकि सीटी आसानी से बच जाए। और हमारा स्प्रिंकलर इसलिए चल रहा है क्योंकि कोई चीज को गोल घुमाते हैं तो वो बाहर जाने की कोशिश करती है, इसलिए पानी नीचे से और ऊपर तक चढ़ जाता है और इसमें से बाहर निकल जाता है। अब इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि वो जो पानी बाहर निकलता है उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो क्या है, यानी कि जब हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं तो जो बूंद यहां से निकली, इस पोजिशन से निकली, वो ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी या फिर ऐसे गोल गोल घूम के और फिर जमीन पे आएगी। और इस फोटो में देखें तो जो ट्रेजेक्ट्री है वो हमें एक स्पाइरल जैसी लग रही है या फिर एक हेलिक्स जैसी लग रही है, लेकिन अलग अलग बूंदों को जब देखें तो हम पाएंगे कि सबकी ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक है। हाँ, जब साथ में देखते हैं सभी बूंदों को तो एक हेलिक्स या स्पाइरल बनाता हुआ जरूर दिखती है, लेकिन सब बूंदे पैराबोला के शेप में ही जमीन पर गिर रही है। एक और इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि डंडी और स्ट्रो के बीच में कितना एंगल रखें कि जो पानी निकल रहा है वो सबसे दूर जाए। And the answer is not 45 degrees. हम जब 11वीं कक्षा में प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं तो रेंज को डिफरेंशिएट करके जो एंगल आता है वो 45 डिग्री आता है, लेकिन इस केस में वो 45 डिग्री नहीं आएगा। और इससे जुड़ी हुई वर्ल्ड वॉर 1 की एक काफी इंटरेस्टिंग कहानी है। जर्मनी को पेरिस पर एक बम गिराना था और जो तोप वो इस्तेमाल कर रहे थे उसको उन्होंने पेरिस गन का इनाम दिया था। और वो बहुत भारी भारी तोप थी जिनका बैरल 34 meters यानी 110 feet लंबा बैरल था उनका। तो शुरू में उन्होंने 45 डिग्री पर अपना बैरल रखा और गोला दागा तो 130 किलोमीटर पेरिस था, लेकिन उससे थोड़ा सा पहले ही वो गिर गया गोला। फिर उन्होंने 45 के बजाय अपना एंगल 55 डिग्री किया और फिर बराबर गोला पेरिस पर 130 किलोमीटर दूर जाके गिरा। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब एंगल 45 से 55 हुआ तो गोला ज्यादा ऊंचाई तक ऊपर गया और वहां पे ज्यादा ऊंचाई पर एटमोस्फेरिक प्रेशर कम होता है, इसलिए एयर ड्रैग कम लगा गोले पर, इसलिए वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाए। और इतनी ऊंचाइयों पर एक और फोर्स लगता है जो धरती की रोटेशन के कारण लगता है, जिसे कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। तो ये सब भी उन्हें ध्यान में रखना पड़ा, इतना
दूरी वाला बम दागने के लिए। तो ये सब करने के बाद एंगल मिला 45 के बजाय 55 डिग्री पे सबसे ज्यादा दूरी तक जाएगा, ये उन्हें सबसे पता चला। अब अपने इस 3-in-1 खिलौने पे आते हैं, तो ये आपका सवाल भी है कि इस केस में 45 रखें या 45 से ज्यादा रखें या 45 से कम रखें, कितना रखें कि ये जो पानी है ये सबसे दूर जाए। तो एक तो इसको आप मैथ से सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा ये कर सकते हैं कि क्लास के सभी बच्चे अलग अलग एंगल पे अपने खिलौने बना लें और ऐसे घुमा घुमा के वो एक कंपटीशन करें कि किसकी जो पानी की बूंदे हैं वो सबसे दूर जा रही हैं। और जब बच्चे इस खिलौने से, इस फव्वारे से सभी गमलों में पानी देंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो अपने आप ही अंदर चला जाएगा। थैंक यू।